विदिशा जिले के गंज बासुदा के लॉकडाउन के दौरान निशंक जैन मित्र मंडल के तत्वावधान में नगर के 24 वार्डों में प्रतिदिन 2500 से 3000 खाने के पैकेटों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। नगर में जब से लॉकडाउन चालू किया है तभी से क्षेत्र के लोकप्रिय पूर्व विधायक निशंक जैन मित्र मंडल के नेतृत्व में कोरोना नामक भीषण महामारी के आगमन को भूख से निजात दिलाने स्थानीय घुसरपुरा धर्मशाला में स्वयं खाना बनाकर नगर के 24 वार्डों में प्रतिदिन 2500 से लेकर 3000 खाने के पैकेट जरूरतमंदों को आवश्यकता अनुसार उन परिवारों तक वितरण करा रहे हैं। पूर्व विधायक निशंक जैन ने कहा कि इस समय हमारा एक ही मकसद है, इस भीषण महामारी में कोई भी घर से निकलने को मजबूर ना हो और ना ही कोई भूखा सोए। विदिशा से आशीष सेले की रिपोर्ट। वहाँ कहाँ वितरित किया जा रहा है आपके द्वारा, ये खाना वितरित किया जा रहा है, कितने से चालू रखा है और नगर में किस जगह जा रहा है? कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के और मध्य प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर गंज वासुदा में कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में पूरे नगर के 2400 वार्डों में हम भोजन वितरण की व्यवस्था पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने अपने वार्डों में जहां पर भी जो भी पात्र और परेशान व्यक्ति दिखता है उसके लिए भोजन यहां से हम उपलब्ध कराते हैं और उस मामले में पूरा ध्यान रखा जाता है कि हम सोशल डिस्टेंस का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें और हमारा प्रयास है कि किसी भी हालत में गंज वासुदा नगर में कोई भी आदमी भूखा ना सो। भूखा उठे भातक तो चलेगा क्योंकि सभी भूखे उठते हैं, मगर जब वो रात में बिस्तर पे जाए तो उसके पेट में भोजन अवश्य होना चाहिए, ऐसे ही कांग्रेस पार्टी का निर्देश है, उसी के तहत पूरे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।